आंगनवाड़ी फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स, जो CIQ के साथ संबंधित है, के नेतृत्व में आंगनवाड़ी अधिकार महापड़ाव 4 दिन का कार्यक्रम है और यहाँ जंतर मंतर पे धरना होगी। उसमें पूरे देश भर से आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स आएंगे, उनका रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। सबसे पहले ये डिमांड्स है कि जो ICDS जो है आंगनवाड़ी सेंटर से, जो देश के 8 करोड़ गरीब बच्चों को और 2 करोड़ के करीब माओं को जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन और बच्चों का प्री स्कूल एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, उसके अंदर बजट में भारी कटौती है। इस इकोनॉमिक ईयर में जो बहुत सारे राज्यों में जो पैसा नहीं गया है, वर्कर्स का तनख्वाह नहीं मिल रहा है और बहुत ही राज्यों में न्यूट्रिशन के लिए भी फंड नहीं आ रहे हैं, ऐसे एक गहरी क्राइसिस है। तो उसको जो है तुरंत उसका जो अभी का जो क्राइसिस है उसका पैसे का भुगतान किया जाना चाहिए। और ये भी नहीं, एक पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन मोबाइल ऐप के नाम पे, डिजिटाइजेशन के नाम पे बहुत भारी वर्कर्स का हरासमेंट किया जा रहा था, लेकिन अभी उसके एडिशनल जो है ये भी हो रहा है कि आधार लिंकेज करना है बेनिफिशरीज को, अदरवाइज जो है इनका पूरा उनके लिए जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है वो बंद करेंगे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने आदेश दिया है। और ये पूरा आंगन इसका जो ये आंकड़ा यही बोलता है कि जो 5 साल से कम बच्चे हैं उसका ओनली 20% का आधार है, तो अभी अगले महीने से उनका न्यूट्रिशन भी बंद होने वाला है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है उसके भी खिलाफ है। जनता का जो राइट टू फूड है, खाद्य का सुरक्षा कानून के तहत जो खाने का अधिकार है उसका भी उल्लंघन है और वर्कर्स का हरासमेंट भी है, ये उसको विड्रॉ किया जाए, ये एक मुद्दा है। और अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है जो आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स को ग्रैट्यूटी कानून के तहत ग्रैट्यूटी मिलने का अधिकार है और वो वर्कमैन के डेफिनेशन के अंदर आएगा। और ये भी नहीं, जो आंगनवाड़ी सेंटर्स है वो इंस्टीट्यूशन का डेफिनेशन में भी आएगा। तो ये एक जो ऑर्डर के हिसाब से जो उसका तुरंत इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ये हमारा डिमांड है। और 45th इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस का ऑलरेडी डिसीशन है, जो वर्कर्स का मान्यता न्यूनतम वेतन और पेंशन का वो भी लागू करने का मांग है। और जो बहुत बड़े पैमाने पे वर्कर्स और हेल्पर्स का जो है ट्रेड यूनियन अधिकार पे हमला हो रहा है, दिल्ली के अंदर 991 वर्कर्स और हेल्पर्स टर्मिनेटेड है, हरियाणा के अंदर 975 लोग टर्मिनेटेड है और उसमें से कुछ लोगों को यूनियन के आंदोलन से वापस लेने का प्रक्रिया शुरू हुआ है। ये पूरा जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और कलेक्टिव बार्गेनिंग का उल्लंघन है उसको खत्म किया जाए और इन लोगों को बहाल किया जाए, ये भी एक मांग है। और ये भी नहीं कि अभी जो ICDS के तहत में बहुत सारे प्राइवेटाइजेशन का या आंगनवाड़ी सेंटर्स को स्पॉन्सर किया जाए ऐसा आदेश आ रहा है कि मैंने पूरा उसको पूरा सरकार अपने जिम्मेदारी से खोने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो वर्कर्स का अधिकार और जनता का अधिकार दोनों को आगे करके ही ये महापड़ाव है। देखिए, ये जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है जो पूरे भारत में जो 14 लाख के करीब आंगनवाड़ी केंद्रों में 26 लाख से ज़्यादा आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स काम कर रहे हैं, और वो जैसे मैंने पहले बताया कि 8 करोड़ बच्चों को जो इंडिया में जो माल न्यूट्रिशन सबसे बड़ा एक मुद्दा है और उसमें से जो आधा हिस्से को ही ये ICDS स्कीम कवर करते हैं 16 करोड़ में से, और उनका सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का और उनका हेल्थ और जो प्री स्कूल एजुकेशन का ये पूरा जिम्मेदारी आंगनवाड़ी सेंटर है। ये एकमात्र योजना है जो 6 साल के अंदर के बच्चों को और गर्भवती माओं को और दूध पिलाने वाले माओं को कवर करते हैं, सरकारी पब्लिक सर्विस है, बेसिक राइट्स ऑफ फूड को कवर करते हैं, राइट टू फूड के तहत भी है, राइट टू एजुकेशन के तहत भी ये है। और ये सर्विस अगर बंद हो जाएगा तो अभी का जो ये भूखमरी और जो पॉवर्टी का हालत है वो और भी ज़्यादा गहरा हो जाएगा ये इंडिया में इतना ज़्यादा। और आज के स्थिति में भी अराउंड 75 लाख जो है बच्चे हैं एक साल में 6 महीने के अंदर में मर जाते हैं, पैदा जो होते हैं, तो इतना भयानक स्थिति और भयानक हो जाएगा। और आशा वर्कर का भी जो है जो NHM के तहत काम करते हैं
पूरा कोरोना काल में हम देखेंगे तो ये बेसिक जो सर्विसेस है हेल्थ का, इवन कोविड का पूरा ड्यूटी जो जनता तक सरकार की सेवाएं यही लोगों ने पहुंचा है, आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर भी वो कोविड का ड्यूटी किया है। और ये न्यूट्रिशन, बेसिक हेल्थ और न्यूट्रिशन, बेसिक सर्वाइवल का जो स्कीम है वो लोगों तक पहुंचाने का काम ये कर रहे हैं। और इनका काम इतना महत्वपूर्ण है देश के लिए, और वो खुद ही माल न्यूट्रिशन का और जो ये हेल्थ हजार्ड का शिकार हो रहे हैं। तो इसका जो डिमांड है ये बेसिक ह्यूमन राइट्स के अंदर आते हैं और ये देश के जो जनता की जो राइट से भी इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ है, इसीलिए पूरा देश को इनका समर्थन में खड़े होना चाहिए टू सेव दी सर्विसेज और इनका जो अधिकार को बचाने के लिए। पूरा इंडिया से एवरी स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होगा और कुछ जो है नज़दीक वाले राज्यों से कुछ ज़्यादा होगा, और बाकी जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा 26 to 29 में बीच में हम लोगों ने जो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे और अपने अपने राज्यों में वो लोग प्रोटेस्ट करेंगे। ऑलरेडी हमारा प्रोटेस्ट है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को और इलेक्टेड अदर रिप्रेजेंटेटिव्स को भी इसको लागू करने के लिए मांग करके हम लोग मेमोरेंडम दे रहे हैं, और जो लेजिस्लेशन पास होना है इसके लिए तो उसके लिए भी हम लोग उनसे उनको भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और होगा क्योंकि काफ़ी मुश्किल हालात में भी है, बाढ़ की स्थिति भी है अलग अलग राज्यों में। ये भी नहीं कि जो ट्रैवल का भी आजकल कॉस्ट बहुत बड़ा है और इतने कम तनख्वाह मिलने वाले हैं तो वो लोग अपना यूनियन से इकट्ठा करके पैसा इकट्ठा करके आ रहे हैं, लेकिन हर राज्य से रिप्रेजेंटेशन होगा। अक्रॉस द कंट्री लाखों के तादाद में बेनिफिशरीज के और ये जो वर्कर्स के बीच में हम पर्चे बांट रहे हैं, और ये भी नहीं कि मीटिंगें भी कर रहे हैं, लोकल बेनिफिशरीज का मीटिंग भी कर रहे हैं और वर्कर्स का भी मीटिंग भी किया है, कन्वेंशंस किया है, सपोर्ट भी मिल रहा है लोगों का। और अभी ऑलरेडी कुछ लोग तो निकल चुके हैं घर से, दूर दूर के जो राज्यों से, जैसे साउथ से केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु जैसे राज्यों से लोग तो ऑलरेडी निकल चुके हैं ट्रेन में। देखिए ये हम लोग तो जानते ही है कि ये चार दिन में ही आके एकदम सरकार आके ये मानेंगे, और हमने ऑलरेडी अदर स्कीम वर्कर के साथ में मिलके ये एक डिसीशन पहले ही किया है, क्योंकि बजट सेशन में, क्योंकि बजट में कोई ना पैसा बढ़ाया है, लेकिन लास्ट ईयर कोरोना का बजट में ICDS का बजट के अंदर भारी कटौती हुआ है। और ये अभी जो है क्राइसिस का सिचुएशन में जा रहे हैं तो हमने ये डिसाइड किया है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है और राज्यों का भी वो अभी फंड दे नहीं रहा है, बहुत सारे राज्य ये शिकायत कर चुके हैं। तो इस सिचुएशन में हम लोग इसके बाद में अगर इसमें कोई सुनवाई नहीं होगा, कोई ठोस कदम नहीं उठाया सरकार, तो आगे जो हम जनता में जाएंगे और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके बीच में जाके उधर कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज हम लोग जो जवाबदेही मीटिंग्स करने का फैसला किया है, और उसके बाद में हम तय करेंगे जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस का भी डिमांड्स है और उसको लेके बहुत बड़ा हड़ताल समेत बाकी कार्यक्रम लेने का हम फैसला करेंगे।